नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राम मंदिर को लेकर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इसी साल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अभी भी राम मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। ऐसे में पहली ही बारिश में राम मंदिर की छत से पानी टपकने लगा है और दोस्तों अंदर जल भरा हो गया। इसे लेकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बड़ा खुलासा किया है। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में मंदिर के प्रकोष्ठ बनाए जा रहे हैं, जहां अन्य मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। इस कार्य के लिए अलग विभाग भी बन गया है। ये खुशी की बात है कि मूर्तियों की स्थापना 2025 तक हो जाएगी। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रामलला विराजमान है वहां पहली ही बारिश में पानी टपकने लगा है। मंदिर के अंदर भी बरसात का पानी भर गया है। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि बने मंदिरों से क्यों पानी टपक रहा है। अभी राम मंदिर को बने 1 साल भी पूरा नहीं हुआ कि दोस्तों मंदिर के अंदर पानी टपकने लगा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तब तक की सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। फिलहाल राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट पूरे मामले की जाँच कर रहा है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।